शिव जी सृष्टि के तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं। शिव जी स्वयं त्रिनेत्रधारी भी हैं। साथ ही शिव जी की उपासना भी मूल रूप से तीन स्वरूपों में ही की जाती है। तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन का तीसरा सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन तीनों स्वरूपों की उपासना करके सावन के तीसरे सोमवार को मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। शिव जी के इन स्वरूपों की उपासना यदि प्रदोष काल में करें तो सर्वोत्तम होगा। शिव जी का नीलकंठ स्वरूप। बता दें आपको कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाल विष निकला तो शिव जी ने मानवता की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिनसे इस स्वरूप की उपासना करने से शत्रु बाधा षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी चीजों का असर नहीं होता। सावन के सोमवार को शिव जी के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करने के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस की धारा चढ़ाएं। इसके बाद नीलकंठ स्वरूप के मंत्र ओम नमो नीलकंठाय का जाप करें। ग्रहों की सभी बाधा समाप्त होगी। शिव का नटराज स्वरूप। शिव ने ही दुनिया में समस्त नृत्य संगीत और कला का आविष्कार किया है। नृत्य कला के तमाम भेद और सूक्ष्म चीजें भी शिव ने अपने शिष्यों को बताई है और समझाई है। उन्होंने ऐसे नृत्यों का सरल शिव जी ने ही अपने शिष्यों को बताई और समझाई है उन्होंने ऐसे नृत्यों का सृजन किया जिसका असर हमारे मन शरीर और आत्मा पर पड़ता है। जीवन में सुख और समृद्धि के लिए तथा आनंद का अनुभव करने के लिए और बहुत अच्छा महसूस करने के लिए नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्ञान विज्ञान कला संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए भी इनकी पूजा उत्तम होती है। सावन के सोमवार को घर में नटराज की स्थापना सर्वोत्तम मानी जाती है। श्वेत रंग इनकी उपासना में श्वेत रंग के फूल अर्पित करें। श्वेत रंग के नटराज की स्थापना सर्वोत्तम मानी जाती है। इनकी उपासना में श्वेत रंग के फूल अर्पित करें। शिव का महामृत्युंजय स्वरूप, जिनकी उपासना करके मृत्यु तक को जीता जा सके। शिव जी का वह स्वरूप है मृत्युंजय। शिव जी इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से ही रक्षा, आयु रक्षा, स्वास्थ्य लाभ और शिव जी का महामृत्युंजय स्वरूप, जिनकी उपासना करके मृत्यु तक को जीता जा सके। शिव जी का वह स्वरूप है मृत्युंजय। शिव जी का महामृत्युंजय स्वरूप, क्या बता दें आपको कि जिनकी उपासना करके मृत्यु तक को जीता जा सके, शिव जी का वह स्वरूप है मृत्युंजय। शिव जी इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा, आयु रक्षा, स्वास्थ्य लाभ और मनोकामना पूर्ति होती है। सावन के सोमवार को भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र और जलधारा अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करें, मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। मृत्युंजय स्वरूप मंत्र है मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें, परिक्रमा करें और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट वन स्पेशल रिपोर्ट।